रेगिस्तानी क्षेत्र ओवर द टू थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द बाय द ओशियंस पृथ्वी का दो त्याई हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है द रिमेनिंग वन थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्सपोज बाय ड्राई लैंड फॉर अस टू लिव ऑन और बचा हुआ जो एक त्याई हिस्सा पृथ्वी का है वो सूखा और खुला पड़ा हुआ है एंड वन थर्ड ऑफ ट ड्राई लैंड इज रियली ड्राई और जो एक त्याई हिस्सा जो, जो खोला पड़ा हुआ ये है ये सचमुच सूखा है एंड कम्स अंडर द डेजर्ट और यही रेगिस्तान के अंतर्गत आता है ए डेजर्ट इज एक्चुअली पीस ऑफ ए लैंड रेगिस्तान एक जमीन का टुकड़ा होता है नो मैटर हॉट और कोल्ड इसमें कोई मामला नहीं गर्म है या ठंडा है दैट है स्मॉल अमाउंट इसमें जो है बहुत कम मात्रा में प्रिस्प्रेशन यानी पानी मिलता है थ्रू आउट द इस इट इज यूजली गेट लेस देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर रेनफॉल एयर इससे जो है पूरी वर्ष में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा इसे रेगिस्तान को मिल पाती है डेजर्ट आर फॉर्मेड बाय द नेचुरल एंड मैनमेड एक्शन रेगिस्तान दो तरीके से बनता है एक प्राकृतिक तरीके से और दूसरे मनुष्यों के कामों से अमोंग द नेचुरल फोर्सेज आर द कॉन्स्टेंट विंड एंड वॉटर्स विच टॉप सॉइल प्राकृतिक तरीके से क्या होता है जो में लगातार जो हवा पानी से क्या होता है टॉप सॉइल जो होती है मिट्टी की वो एरोड में सुखड़ जाती है एंड लॉन्ग टर्म द ड्राउट कंडीशन इस तरीके से लंबे समय तक सूखे की स्थिति बन जाती है द लिस्ट ऑफ द ह्यूमन इंक्लूडेड एक्संस इंक्लूडेडिंग इसमें जो ह्यूमन है उनके भी मनुष्य के भी काम आ जाते हैं ये क्या करते हैं ओवरग्रेसिंग करा देते हैं अपने फार्म एनिमल्स को अपने जानवरों को जो है खूब चरा देते हैं जिससे वहां की जगह बंजर हो जाती है स्टेम माइनिंग खुदाई भी कर लेते हैं डेप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर सप्लाई और इस तरीके से पानी की कमी को भी खत्म कर देते हैं और वो इलाका जो है पूरा का पूरा जो है ये डिफोरेस्टेशन यानी जंगल को खत्म कर देते हैं देर आर मेनली फोर कोल्ड ठंडा वाला सेमीय मध्यम वाला और यानी वाला। तो वी सेल स्टडी अबाउट इन दिसन हम यहां पर गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट यानी गर्म रेगिस्तान साइड ऑफ द इक्वेटर अबाउट द 15 डिग्री नियर द ट्रॉपिक कैंसर एंड नॉर्थन एम्सायर एंड द ट्रॉपिकॉन इन द साउथन एम्सायर ये जो हमारा जो हॉट डेजर्ट है ये जो हमारा आपको दिख रहा है बीच का जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा दिख रही तो भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री इधर चले जाओ 15 से 30 डिग्री इधर चले जाओ तो ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको जो है ट्रॉपिक कैंसर पड़ रही है नीचे आप जा रहे तो कैप्रिकॉन पड़ रही है जो ऊपर वाला उत्तर का हो गया ये दक्षिण का होगा इसी हिस्से में जो हमारा ये पड़ता है देखिए ये सारा का डेजर्ट है सबसे बड़ा आएगा ये अरेबियन का आ गया ये हमारा थार का आएगा जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में आ जाता दे आर ऑलसो कल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट इन्हें जो है उसबंदी रेगिस्तान भी कहकर बुलाते हैं सम हॉट डेजर्ट इन दर्ल्ड यहां पर देखिए संसार के सबसे बड़े जो रेगिस्तान है सबसे बड़ा सारा डेजर्ट इक्यानवे लाख किलोमीटर है नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है नॉर्थन एम्सपायर में अरेबियन डेजर्ट है ये हमारा जो है तेईस लाख किलोमीटर है साउदी अरेबिया में हैगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है ये भी तेईस लाख का ऑस्ट्रेलिया में है काला आरी ये पांच लाख बीस हजार का है ये साउथन वेस्ट अफ्रीका और साउथ रन में है और ये हमारा जो बचा हुआ है वो चिहू या हुवन ये डेजर्ट जो है वो चार लाख पचपन का है लाख स्क्वायर किलोमीटर मैक्सिमो में आएगा इसी तरह थार्ड डेजर्ट जो है वो दो लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है नॉर्थन में क्लाइमेट यानी यहाँ की जलवायु तो क्लाइमेट ऑफ हॉट डेजर्ट इज एक्सट्रीम टाइप्स यहां पर जो है क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा गर्म होती है एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी और सूखा हुआ विद कोल्ड नाइट्स और रातें ठंडी होंगी द डेजर्ट हीट्स रेपिडली ड्यूरिंग द डे टाइम्स एंड सिमिलरली कूल रेपिडली ड्यूरिंग द नाइट्स यहां पर दिन के समय जो है तेज गति से दिन जो है गर्म हो जाता है और रातें भी उसी हिसाब से ठंडी हो जाती हैं। द टेम्परेचर हॉट डेजर्ट इज एमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड संसार में सबसे ज्यादा गर्म तापमान रेगिस्तान का ही पाया जाता है द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज रेंज फोर्टी डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस यहां पर जो है अधिकतम तापमान दिन का चालीस से पचास डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है गर्मियों में ड्यूरिंग द कोल्डर पीरियड्स दस नाइट्स टाइम टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप द फ्रीजिंग प्वाइंट और सर्दियों के समय पर जो है यहां का रात का तापमान जो है वो जीरो डिग्री तक पहुंच जाता है द रेनफॉल इज वेरी लिटिल फॉर शॉर्ट पीढ़ी बरसात थोड़े समय के लिए होती है दैट इज टू बिटवीन द लॉन्ग रेन यहां पर अधिकांश समय जो है वर्षा भी नहीं रहता है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक बात करते हैं यहाँ की वनस्पतियों की वेरी फ्यू प्लांट्स आर गोल्ड इन हॉट डेजर्ट रेगिस्तान के अंदर बहुत ही कम पौधे हो पाते हैं दीज प्लांट हैद स्टैंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड स्क्रिट ऑफ वाटर यहां पर जो भी पौधे होते हैं वो पानी की कमी में खड़े होने के लिए उन्होंने अपने आप को अवॉर्ड यानी विकसित कर लिया है सम फॉर डेजर्ट प्लांट्स आर इम्फेरियल यहां पर जो है कुछ फूल वाले पौधे भी उगते हैं जिसमें इम्फेरियल आता है द लाइफ फॉर फ्यू डेज एट द दोस्ट अधिकांश इसकी लाइफ कुछ ही दिनों हो की होती है वुडी डेजर्ट प्लांट्स आई दर्स हैव ए लॉन्ग रूट सिस्टम दैट रीच डी वाटर सोर्स एंड हॉलो हैव ए हॉलो स्प्रेडिंग रूट टू टेक अप द सर्फेस मॉइस्चर क्विकली फ्रॉम द दी ड्यूज एंड ओकेजनल रेन्स यहां पर जो पौधे पाए जाते हैं उनकी या तो जड़ें गहरी चली जाती हैं या फिर उनके जो तने होते हैं वो उथले होते हैं उथले तनों में जो है वो क्या करते हैं कि जो है बरसात का पानी या फिर जो है ओस की नमी है उसको इकट्ठा कर लेते हैं डेजर्ट प्लांट यूजली हैव स्मॉल लीव्स यहाँ के जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनकी जो है छोटी पत्तियां होती हैं सम प्लांट्स ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द ट्राई पीरियड्स और यहां पर जो सूखे के समय ये क्या करते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं सम प्लांट आर द सक्वलेंट्स कुछ पौधे रस वाले होते हैं स्टोरिंग वाटर इन लीव्स अब वो अपनी पत्तियों में स्टेम तनों में रूट्स जड़ों में रस इकट्ठा कर लेते हैं कैक्टी यानी कैक्टस का केसिया यानी बमूल का एंड स्मॉल सब्स आर द मेन प्लांट्स दैट ग्रो हियर्स और जो है कुछ झाड़िया के पौधे होते हैं यहाँ के यही मुख्य पौधे हैं दया बयाबो ट्री आर नोन एज द दुटर ट्री जो हमारा बायाबो पेड़ है उसको हम बोतल पेड़ भी कहते हैं इज फाउंड इन द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये कालाहारी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है द बैरल सेफ इज होलो ट्रंक इसका जो है ड्रम के आकार का इसका खोखला तना होता है ऑफ दिस ट्री कैन स्टोर ओवर द थाउजेंड लीटर ऑफ वाटर और ये जो है एक हजार लीटर पानी भी इकट्ठा कर सकता है ये है हमारा बयावो ट्री इसमें जो है एक हजार लीटर पानी इकट्ठा कर लेता है एनिमल्स लाइफ जानवरों का जीवन डेजर्ट्स आर इनहेबिटेड बाई द इंसेक्टेड स्पाइडर्स स्कॉर्पिय रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड ममल्स रेगिस्तान के अंदर जो है कीड़े मकोड़े मकड़ियां भिक्षु रेंगने वाले जीव पक्षी और स्तनदारियों का प्राकृतिक आवास है अनलाइ प्लांट्स पौधों से भिन्न दीज एनिमल्स कैन सीक सेल्टर फ्रॉम द स्क्रॉचिंग सन पौधों से भिन्न यहां के जो जानवर है वो स्क्रॉचिंग सन यानी चिलचिलाती हुई धूप से बचने के लिए ठंड से बचने के लिए विंड हवा से बचने के लिए क्रेवलिंग इन टू अंडरग्राउंड जमीन के नीचे बनाए हुए अपने बिलों में ये रेंगते हुए घुस जाते हैं हैव मेन द स्पेसिफिक बॉडी प्रेस एंड एडोप्ट हरास ने यहां पर अपने आपको ऐसा विकसित कर लिया कि इस कठोर पर्यावरण वर्य में भी बने रहते हैं सम स्मॉल मोमल्स लाइक गए रोडियंस को छोटे जानवर जैसे चुए एक्सट्रेटेड ऑनलीट्रेटेड यूरिन ऑन एंड ड्राई फीसिस एंड्रेप द वेरी लिटिल ये चूहे क्या करते हैं अपने अंदर जो, निकालते हैं, जो, मल निकालते हैं, उसको जो है क्या कर लिया है रोकने का तरीका अपनाया जो, जो मल है वो मल तो निकलेगा लेकिन सूखा निकलेगा और उसके जो पेशाब होती है वो उनकी जो होती है वो बच जाती जिससे उनके अंदर नमी बनी रहती है मोस्ट एनिमल आर नॉटिकल ज्यादातर जानवर रात को ही निकलते हैं ऑनली एक्टिवेट नाइट रात को ही निकलते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल एनिमल्स फाउंड ईयर इमेल यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण जानवर है वो ऊंट पाया जाता है द सिप ऑफ द डेजर्ट इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इट इज एबिलिटी टू स्टोर वॉटर इन द स्टमक स्टोर द फूड फैट इन द हम इसके अंदर ये योग्यता है कि वो अपने पेट में पानी और अपने कुवड़ में भोजन इकट्ठा कर लेता है इट्स ब्रॉड पैडेड फीट इसके चौड़े गद्दीदार पैर होते हैं विद ए लॉन्ग लेग्स लंबे पैर होते हैं वॉक इन द स्टैंड जिससे वो चल सकता है और खड़ा हो सकता है एंड आइस विद द आईलेट विच प्रोटेक्ट द आइस ड्यूरिंग द सेंड स्ट और इसकी जो पलकें होती हैं वो इसकी आंखों को रेगिस्तान में उठने वाले तूफान से भी रक्षा कर लेती हैं मेक इट इन आइडियल फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट इस तरीके से ये रेगिस्तान का सबसे आदर्श यातायात का साधन है ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड शुतर जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी फाउंड इन द सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट वो सहारा और कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है इचीटिना इची का मतलब होता है ए स्पाइनी एंटीटर ये है चीटी खाने वाला इज फाउंड इन द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है एडिक्स ये एडिक्स है, है बारह सिंगा होते हैं एंड सैंड कैट्स और रेतीली बिल्लियां होती हैं आर कॉमन इन द दा डेजर्ट ये रेगिस्तान Uh, के सारा डेजर्ट में आम बात है ह्यूमन लाइफ अब लोग यहां कैसे रहते हैं डेजर्ट आर मच लेस डेंसली पॉपुलेटेड देन रीजन रेगिस्तान के अंदर जो है ज्यादा घनी आबादी नहीं होती दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा पीपुल कैन लिव एंड ग्रो क्रॉप इन द डेजर्ट्स लोग यहां रहते हैं और यहां रेगिस्तान में फसलें उगाते हैं ओनली एट प्लेसेस उन्हीं स्थानों पर कार्ड जिन्हें हम नखलिस्तान कहते हैं ऑसिस विस नखलिस्तान वेयर दे कैन गेट वाटर जहां इन्हें पानी मिल जाता है रेगिस्तान में एक हरी भरी जगह होती है उसको हम नखलिस्तान कहते हैं एन ऑसेस एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर इज द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेसिस नखलिस्तान जो एक ऐसी जगह रेगिस्तान में होती है जिसकी जमीन के नीचे से उसमें से पानी निकाल सकते हैं बट यूजली ग्राउंड वाटर इज लाइज ए ग्रेटर डेप्थ इन द डेजर्ट देन देस लेकिन इसकी जमीन से जो पानी निकालते हैं वो नमी वाले क्षेत्रों की अपेक्षा एक काफी गहराई पे होता है दस द फार्मिंग इज प्रस ऑन दिस ऑसेस एंड नियर द रिवर्स इसलिए जो है ज्यादातर जो खेती है वो नखलिस्तान या कोई नदी है उसी के पास की जाती है द क्रॉप ग्रोन इन समर या गर्मियों में चावल है बाजरा है और मक्का है और सर्दियों में गेहूं है जो है सेम है और यानी मसूर की फसलें यहाँ उगाई जाती है देर आर पाल ग्रोस इन एवरी हर एक ऑसेस में यहां जो है यहां पर पाम पाम का मतलब होता है हमारा ये पाम का पेड़ है का. ये पाम के पेड़ भी जो है खजूर के पेड़ भी यहाँ उगाए जाते हैं डेट ऑफ पाम ट्रीज आर वेरी यूजफुल इन द दे डेजर्ट ड्वेलर्स यूजफुलवासों के लोगों के लिए निवास स्थानों के लिए जो खजूर का पेड़ है बहुत लाभकारी है द फ्रूट ऑफ द ट्री इज वेरी न्यूसरिंग एज दे आर रिच इन विटामिन एंड शुगर इसके जो फल होते हैं वो काफी पोषण देने वाले होते हैं इसमें बहुत सारी मात्रा में विटामिन और शुगर होती है शुगर यानी चीनी द सीड्स आर फेड टू द कैटल और इसके बीज को जानवरों को खिला दिया जाता है द लीव्स ऑफ पाम्स आर यूज टू मेकिंग रोब और इसकी जो खजूर की पत्तियां होती हैं उससे रस्सियां बनाई जाती द एनिमल्स रियरिंग ट्रेडिंग एंड माइनिंग खेती बाड़ी के अतिरिक्त तो और भी दूसरे व्यवसाय किए जाते हैं जैसे कि जानवरों का पालन पोषण करना व्यापार करना और खनन का, का काम करना सम पीपुल इन द डेजर्ट रियर्स सीप्स कुछ लोग रेगिस्तान में जो होते हैं वो रियर सीप गॉड्स वो जो है भेड़ों का बकरियों का घोड़ों का और ऊंटों का रियर में पालन पोषण करते हैं बट बिकॉज ऑफ दिस स्क्यूटिटी ऑफ द वॉटर्स दे आर द फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द अदर एनिमल्स एंड बिलोंगिंग्स लेकिन स्क्यूटसिटी पानी की कमी की वजह से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपने जानवरों को और अपने सामान को भी साथ ले जाना पड़ता है दस ए मेजोरिटी ऑफ पीपल्स आर नोमेट्स इस तरीके से यहां पर जो है रहने वाले लोग नोमेट्स हैं यानी खाना बदोस हैं खाना बदोस का मतलब एक जगह पर न रहने वाले द बेड्यूंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बेड्यूंस एंड अरेबिया बुस्मैन अरेबिया के बुस्मैन द बेड्यूंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अरेबिया बेडविंस जो है वो नॉर्थ अमेरिका और अरेबिया के busmen हैं बुस्मैन जो है वो कालाहारी के हैं और द एब्रोजिन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं एंड द ट्यूरेजिस वेस्टर्न सहारा के हैं। ये लीड लाइफ लाइक दिस ये भी जो है इसी तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं नोमिट्स वाला नोमिट मीन खाना बदोश का द मूव इन सर्च ऑफ नोमि नोमिट्स लोग जो होते हैं खाना बदोस लोग होते हैं वो नखलिस्तान की तलाश में रहते हैं दे सेट देर टेंट्स एंड बोल्ड न्यू हर्ट्स वो अपना वहीं तब्बू लगा देते हैं और अपनी झोपड़ियां बना लेते हैं एवरी टाइम हर they move their animals to a new places. बार दे मूव देयर एनिमल्स टू ए न्यू प्लेसेस उसके बाद जब वहां कोई चीज नहीं रहती खाने पीने की तो नए स्थान पर चले जाते हैं पिपुल ड्रिंक कैमिल मिल्क लोग जो है ऊंट का दूध पीते हैं गॉड्स मिल्क इज आल्सो यूज इन प्लेंटी और बकरी का दूध भी पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है ट्रेडिंग इज कंडक्टेड ऑन द कैमिल बैक ऊंट की पीठ पर ही व्यापार किया जाता है द कारवांस कंप्रोमाइज मोस्टली द मर्चेंट्स और द ट्रेडर्स हु सेल द वूल ब्लैकेट वुलपेट्स रूप ड्रेड्स एंड फूड ग्रेन्स यहां पर जो है कारवा समूह में लोग जो चलते हैं ज्यादातर जो है यहाँ के व्यापारी और ट्रेडर्स में भी व्यापारी होता है मर्चेंट का मतलब होता है जो सामान लाकर स्वयं बेचता है और ट्रेडर्स का मतलब सामान खरीद के फिर बेचता है तो ये लोग क्या करते हैं यहां पर जो है ऊन बेचते हैं कम्बल बेचते हैं और जो है ऊन की बनी हुई दरिया है रस्से हैं खजूर है और भी खाने पीने के जो अनाज है वो बेचते हैं टुडे द जीप्स एंड द दैन आर ऑल्सो यूज इन इंस्टीट्यूट ऑफ केवल आज ऊंट के स्थान पर जो है जीप और वैनों का उपयोग होने लगा है डेजर्ट आर रिच इन द आयरन और कॉपर रेगिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा है तामा है पेट्रोलियम है प्राकृतिक गैसें मिलती हैं सहारा डेजर्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द ऑयल सहारा के रेगिस्तान में सबसे ज्यादा जो है तेल प्राकृतिक गैसें, धातुएं अरेबियन डेजर्ट में अरब रेगिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा चीफ जो है सोर्स ऑफ गोल्ड सबसे ज्यादा वहां सोना मिल रहा है लाल ग्रेनाइट मिल रही है और पेट्रोलियम भी मिल रहा है एमोंग द अदर मिनल्स दैट आर फाउंड इन द अरेबियन डेजर्ट्स आर फॉटफूड इसके अतिरिक्त अरेबियन डेजर्ट में और भी चीजें जो पाई जाती है उसमें हमारा फॉस्फ्रेट्स मिल जाती है मैगनीज में मिल जाती है आयरन लोहा मिल रहा है और यूरेनियम मिल रही है यूरेनियम जो है दुनिया की सबसे महंगी वस्तु तो है सोने से दस गुना महंगी होती है यूरेनियम द नेचुरल गैस इज ऑल्सो एक्सटेटेड यहाँ पर जो प्राकृतिक गैसे भी निकाली जा रही है दस माइनिंग इज ऑल्सो इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर इस तरीके से यहाँ पर खनन का काम यहाँ के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया है जय हिंद